लेन देन और गवाही को लेकर दो पक्षों में चाकूबाजी और एयर में तीन गंभीर रूप से घायल सैफई रिपोर्ट। बड़ी खबर प्रदेश के और जिले से है, जहां और जिले के अरवकटर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत समाज में बुधवार देर रात दो बच्चों के बीच गाली गलौज और मारपीट के बाद चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी अभिषेकार शंकर भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि गांव निवासी राघवेंद्र दिवाकर और वीर सिंह जाटव के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, तो गाली गलौज और मारपीट पहुंच गया। इसके बाद वीर सिंह का भाई वीरू जाटव भी वहां आ गया। दोनों पक्षों के बीच चाकू से हमले की नौबत आ गई, जिसमें राघवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC लाया गया, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण CHC अधीक्षक मोहित यादव ने उन्हें सैफई रेफर कर दिया। दूसरे बच्चे के लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बताया है कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक शंकर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पहले गोली चलने की सूचना थी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर गोली चलने जैसी कोई घटना नहीं पाई गई।